गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जॉइंट वेंचर का ही क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कुछ स्टूडेंट का डिमांड था क्वेश्चन नंबर 4 एक बार सॉल्व करके देते सर, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आज डिस्कस करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर टू परचेज एंड सेल मोटर पार्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर एज 2:1। को वेंचर्स आर इंटाइटल टू 5% कमीशन ऑन देयर रिस्पेक्टिव सेल। प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड वाइज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन डन बाय को वेंचर्स। यहाँ पर क्या है, दो को वेंचर हैं एक्स एंड वाई, दोनों मिलकर एक वेंचर बना रहे हैं जिसमें उनका पर्पस क्या है, तो परचेज और सेल करना, क्या मोटर पार्ट्स को। आपस में प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1, यानी एक्स को 2 और वाई को 1 पार्ट मिलेगा, 2/3 एंड 1/3। उसके बाद क्या है, हर एक को वेंचर सेल पे उनको अलग से 5% का कमीशन मिलेगा। आपस में भाई काम कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट होगा, तो 5% कमीशन मिलेगा सेल पे, साथ में प्रॉफिट बांटेंगे। अब देखो नीचे क्या कर रहा है, बोल रहा है कि एक्स के बुक में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना है और वाइज का अकाउंट बनाना है, अकाउंट एंड वाइज अकाउंट, क्लियर है। अब नीचे देखो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मोटर पार्ट्स परचेज है एक्स 15,000 एंड वाई 10,000, एक्सपेंसेस 1400 एक्स के द्वारा, 900 वाई के द्वारा, सेल्स 25,000 एक्स के द्वारा, 15,000 वाई के द्वारा, गुड्स अनसोल्ड टेकन ओवर बाय 4,000 वाई, यानी गुड्स आपका नहीं बिका हुआ था 4,000 का, वो कौन ले लिया, तो वाई ले लिया, क्लियर है। अब देखो हम लोग आगे चलते हैं सॉल्यूशन पे, इसके सॉल्यूशन देखो यहां पर, सॉल्यूशन पे जाते हैं, सॉल्यूशन पे ध्यान से देखो यहां पर, इन द बुक्स ऑफ एक्स, एक्स के बुक में हम काम कर रहे हैं, किसके बुक में, एक्स के बुक में। सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, ज्वाइंट वेंचर में ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। देखो डेबिट साइड में एक्स के बुक में काम कर रहे हैं, यानी एक्स के द्वारा परचेस किया गया गुड्स क्या होगा, कैश में ही लिखा जाएगा, कैश अकाउंट, मोटर पार्ट्स परचेस किया गया है 15,000 का, ये परचेस किया है एट अ टाइम, दैट्स मीन ज्वाइंट वेंचर में इंटर होने के बाद इन्होंने कैश देकर परचेस किया, इसलिए कैश लिख रहे हैं। अगर अपना गुड्स लगाता तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, लेकिन ये एट ए टाइम ज्वाइंट वेंचर में ही कैश देकर परचेस किया, तो एक्स ने क्या दिया, कैश दिया, इसलिए कैश लिखना पड़ा, कैश अकाउंट मोटर पार्ट्स परचेज के लिए 15,000, कैश अकाउंट एक्सपेंसेस के लिए 1400। ये कौन पे किया, एक्स ने। अगर वाई करे तो वाइज अकाउंट मोटर पार्ट्स परचेज 10,000 और वाइज अकाउंट एक्सपेंसेस 900 रुपया, क्लियर है। अब देखो आगे क्रेडिट साइड पहले चलते हैं, क्रेडिट साइड में देखो यहां पर बाय कैश अकाउंट, किस चीज का, सेल्स का, सेल्स किसके द्वारा किया गया है, एक्स के द्वारा, सेल गुड्स बाय एक्स 25,000, बाय वाइज अकाउंट किसके लिए, सेल्स के लिए, किसके द्वारा सेल किया गया है, वाई के द्वारा 15,000, सही है। एक्स ने 25,000 का माल बेचा तो कैश लिखे, वाई ने 15,000 का माल बेचा तो वाइज लिखे, क्योंकि एक्स के बुक में अकाउंट बन रहा है। उसके बाद 4,000 का गुड्स जो बचा हुआ था अनसोल्ड स्टॉक टेकन बाय वाई था ना, इसलिए वाइज अकाउंट लिखा गया है, अनसोल्ड स्टॉक टेकन बाय वाई 4,000 का। अब देखो इस पे कमीशन मिलेगा 25,000 पे या 15,000 पे, किसको किसको, एक्स को भी या वाई को भी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था 5% कमीशन मिलेगा को वेंचर को, हर एक को वेंचर को। अब देखो यहां पर टू कमीशन अकाउंट 1250, कैसे सर, 25,000 का 5%, एक्स ने 25,000 का बेचा था मोटर पार्ट्स, तो 25,000 पे 5% 1250 है, कमीशन लिखें क्योंकि एक्स को मिला है, वाई को मिला है तो वाई लिखेंगे, वाई इज अकाउंट, कमीशन के लिए ही है लेकिन वाई इज अकाउंट लिखे है, कितना 15,000 का 5% 750, 15,000 का 5% 750, क्लियर है। टोटल किया 44,000, जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को क्या किया गया, आपस में बांट दिया गया, किस रेशियो में, 2:1, 2/3, 1/3, 9800 एंड 4900, ओके।
तो ये था ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ध्यान से देख लिए। कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखिएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं वाइज अकाउंट। वाइज अकाउंट में क्या है, तो अब वाई का अकाउंट बनेगा ना अपने यहाँ। वाइज अकाउंट में 15,000 सेल है जो यहाँ से सेल आया है, ये जो सेल है बाई में था, बाई वाइज अकाउंट 15,000 सेल का, बाई वाई अकाउंट 4,000, वही अनसोल्ड स्टॉक का। ज्वाइंट वेंचर 15,000, ज्वाइंट वेंचर 4,000, ये सेल्स का है, ये अनसोल्ड स्टॉक का है। अब इधर चलते हैं क्रेडिट साइड में। बाई ज्वाइंट वेंचर 10,000, किस चीज का, तो ये परचेस का है जो मोटर पार्ट्स परचेस किए थे। ज्वाइंट वेंचर एक्सपेंसेस किए थे 900 का। ज्वाइंट वेंचर कमीशन मिला था 750 रुपया, 15,000 का 5%। ज्वाइंट वेंचर प्रॉफिट का हिस्सा मिला था इनको 4,900। टोटल किया गया जो बैलेंस बचा 2,450, वो बैलेंस दिख रहा है 2,450 इनको देना है। क्लियर है? एनी डाउट? थैंक यू।